आज भी हमारा अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए रहस्य से भरा पड़ा हुआ है। इसके साथ कई अजीबोगरीब ग्रह के बारे में भी पता चलता रहता है, जिसके बारे में जानकर आम आदमी एकदम दंग रह जाता है। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में बताने वाले हैं, जो पूरी तरह हीरे से बना हुआ है। अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी हुई है। इन रहस्यों को समझने के लिए अंतरिक्ष यात्री अक्सर मिशन पर जाते रहते हैं, लेकिन अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि इसके बारे में जितना पता चल जाए उतना कम है। ऐसे में वैज्ञानिक इन रहस्यों की गुत्थी को सुलझाने का हर मुमकिन प्रयास करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह भी है जो पूरी तरह हीरे से बना हुआ है। आज हम आपको जिस ग्रह के बारे में बताने वाले हैं, वो पूरी तरह हीरे से बना हुआ है। अब आपके मन में सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इस ग्रह पर इतना हीरा आया कहां से। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रह के आगे कोहिनूर की चमक भी फीकी है। इस ग्रह पर इतने ज्यादा हीरे हैं कि इसे हीरे वाला ग्रह भी कह सकते हैं। लेकिन इसका ऑफिशियल नाम 55 कैंक्री ई ऐसा है। इस ग्रह की खोज 30 अगस्त 2004 में हुई थी। बताया जाता है कि वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की खोज रेडियल वेलोसिटी के जरिए की थी। इस ग्रह को एक्सोप्लैनेट्स भी कहा जाता है। एक्सोप्लैनेट्स ऐसा शब्द क्योंकि ये सूरज का चक्कर नहीं लगाते हैं, इसलिए इन्हें एक्सोप्लैनेट्स भी कहा जाता है। जिन पर कार्बन का अनुपात ज्यादा होता है, उनके चक्कर लगाने वाले ग्रहों पर भी कार्बन ज्यादा होता है, और सही हालात होने पर यह कार्बन हीरे में तब्दील हो जाते हैं। बताया जाता है कि इस ग्रह का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, क्योंकि ये अपने तारे के काफी करीब है, जिस कारण ये ग्रह महज 18 घंटे में ही अपने एक साल का पूरा चक्कर कर लेता है। इस ग्रह पर काफी मात्रा में कार्बन मौजूद है। इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण इस ग्रह की सतह पूरी तरह हीरे से बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार इतना तापमान किसी भी कार्बन को हीरे में तब्दील करने के लिए काफी होता है। इस ग्रह की दूरी पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सूरज की किरणें पृथ्वी पर महज 8 मिनट पर पहुंच जाती है। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साल में रोशनी की दूरी कितनी दूर तक जाएंगी। फिलहाल टेक्नोलॉजी अभी इतनी विकसित नहीं हुई है कि हम प्रकाश की गति से आगे चल सके, जिस कारण इंसान का वहां पहुंचना असंभव है, और वहां से हीरे लाना वो तो असंभव ही है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हीरे का महत्व इतना क्यों होता है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जानकारी भरी फैक्ट्स के लिए आते रहिए हमारे चैनल पर, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मित्रों। जाते जाते